मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। शनिवार सुबह वे जयपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां पूजा पाठ के साथ उन्होंने चार्ज संभाला। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वे धैर्यवान हैं। यदि धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी का हाथ बटाने का काम नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। वसुंधरा ने कहा सबके नाम तो नहीं होंगे, कितने सारे लोग हैं, आप लोगों का टाइम सो इसीलिए इस मंच पर उपस्थित हमारे सब आदरणीय संत महात्मा का आप लोग सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जी, सह प्रभारी हमारी आदरणीय विजया जी, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुर्जर और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु, मेरे सामने बैठे हुए एमएलए साहिबान, कुछ एमपी साहिबान, अलग अलग जिले के सब हमारे कार्यकर्ता बंधु, उन सबको मैं आज के शुभ दिवस पर प्रणाम करती हूँ। आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ को बधाई, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और मैं आप लोग सबसे ताली बजाना चाहती हूँ, जोर से हाथ पकड़ के सबको। पीछे तक मुझे मालूम है कि बरसात का मौसम है, मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस गर्मी में बैठे हो, किंतु दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा लेने से क्या प्रॉब्लम हो रही है जरा बताओ। सही जोर से मदन जी राठौड़ का इस मंच पर देना चाहूंगी। साथ ही राजस्थान की सह प्रभारी विजया जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने राजस्थान संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, इनके हाथ में आया है। साथ में हमारे नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन जी हमारे बीच में है नहीं आज, उन्होंने बताया था कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे दूसरे काम में जाना था, परंतु हम सब की ओर से आप मुझे भी उनका की बात पहुंचाने की बात करोगे, हम सब की ओर से उनको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मंच के माध्यम से आज याद दिलाना चाहूंगी और आपके द्वारा मैं पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय गुलाब जी कटारिया और सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम जी माथुर, इनको भी हम सब की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहूंगी, जिनकी काबिलियत की वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूँ कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ, सेवाभावी, संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान भाजपा की कमान सौंपने का काम उन्होंने किया। मुझे मदन जी पर भरोसा है और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अरे सुन नहीं रहे तुम लोग, किससे बोले सबका साथ, सबका विकास, सबका और सबका, ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम, ये बहुत मुश्किल काम है।
और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है इस काम को आप पूरी तरह से ढक कर जमीन पे लाने की कोशिश नहीं, परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय स्थिति जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की ओर से बहुत सारे धन्यवाद भी देना चाहूंगी। ये मुश्किल काम को उन्होंने कई सालों तक निभाया और सफलतापूर्वक उसको जमीन पर लाके अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास ही नहीं, सक्सेसफुली उसको जमीन पर लाने का काम किया। आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कार्यशैली को समझती भी हूँ, जानती भी हूँ। ये धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता है, अगर धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास करकर मेहनत करके हाथ बटाने का काम नहीं करते। और आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ये उसी धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली। राजनीति के अंदर अपने कुछ ये भी राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज ये तीन चीज का बड़ा होता है, पद, मत और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मत ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मत हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो भूल जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मत नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोई असर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत, वो है जनता का प्यार, वो है जनता का विश्वास, और ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जनता के साथ लगोगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये पद पर आप काबिल रहोगे, आप रहोगे वहां, परंतु इस पद के मत को अपने को नहीं लाने की जरूरत है और कद अपने आप आपके पास आएगा। यहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मुझे बहुत सालों से कार्यकर्ताओं के साथ रहने का, मिलने का, काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आज इन सब कार्यकर्ताओं की वजह से ये तो बहुत कुछ बैठे हैं, परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो शायद यहां नहीं है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उन सब की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई। इनका कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है जो अटल जी बार बार हमको समझाया करते थे,
कि हमारा कार्यकर्ता वो है जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया इस पार्टी को, वो संस्कारित कार्यकर्ता है। ये गुण इनको इनके अंदर एक दिन के अंदर नहीं आया, ये पूरे जीवन खपा बैठे हैं। इन्होंने पीढ़ियां गुजार दी, उनके बड़े, उनके पापा, उनके बेटा और बेटे का बेटा, ये सब लोग पार्टी के अंदर साथ काम करते रहे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता धर्म से नहीं, मन से काम करता है और इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आंधी में, ये तूफान में निस्वार्थ भाव के साथ विचारधारा की मशाल को लेकर आगे बढ़ता जाता है। यह है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके ऊपर हम सबको गर्व है, और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भी इस बहुत विशाल परिवार के एक सदस्य मुझे बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है। यह कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चले थे, पंडित दीनदयाल जी चले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले थे, अडवाणी जी चले थे, राजपाल साहब चले थे, भैरव सिंह जी चले थे, और उनके साथ अनन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चल के इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने का काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। मैं आज ज्यादा आप आपका समय नहीं देना चाहती हूँ, इतना ही दिलाऊंगी याद कि ये हमारी पार्टी है, खाली पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है। हम इससे आगे किसी चीज को नहीं जानते, हम इससे पीछे किसी चीज को नहीं जानते। हमारे मन में अगर खटका भी आता है तो हम उस चीज को पी भी लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, और उस पार्टी को आगे ले जाने का काम हम लगातार हमेशा मिलकर करते रहेंगे। आज आपके हाथ में एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं लेना चाहती, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपका परिवार है, आप इनको संभालिए, एक बहुत बड़ा आपके ऊपर दायित्व है। आप इनको उसी प्यार के साथ आगे ले जाइए, इस परिवार को जोड़िए, और इतना ही याद दिलाऊंगी कि इनका कार्यकाल हमको सफल बनाना है, क्योंकि आने समय में कोई भी जुट, सब लोग जुट के कोई भी गुट को नहीं, एक ही मुख से और संगठन की कामयाबी को बनाने में, ले जाने में, खड़ा करने में मिलकर करेंगे। यही विश्वास के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसका आभार करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान भी नहीं है, है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है, ना आपके लिए है ना इनके लिए है, दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार आपको देते हुए जैसे हमेशा करती हूँ, आप सबको दिल से लगाकर यही विश्वास करती हूँ कि आपका भला होगा, आपकी सफलता रहेगी, और आप जहाँ जाओगे वो इस पार्टी को सफल बनाने में कभी पीछे नहीं रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और एक मेरे साथ जोरदार नारा, महाराज माता की, भारत माता की। अब इसके बाद मैं रुचुका हूं, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बात है, कभी कभी आवाज तो निकलनी चाहिए, बरसात का मौसम है, अच्छा है, राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो तीन चीजें दिमाग में आती हैं, पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है, पद का यदि मद यानी अहंकार हो जाता है तो यह कम हो जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद जनता का प्यार, जनता का विश्वास है। यह ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वसुंधरा राजे ने कहा कि आगे चलकर किसी गुट की नहीं, संगठन की कामयाबी के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, न आपके लिए न कार्यकर्ताओं के लिए, सब बड़े प्यारे हैं, दोनों मिलकर आगे के काम करें।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विराजमान व्यास पीठ पर विराजमान महान संत वृंद जिनका मुझे अभी आशीर्वाद मिला, हम सबके प्रति उनका बहुत आशीर्वाद है। और मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के विकास के भागीरथ ओजस्वी वक्ता और समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर विराजमान राजस्थान की सम्माननीय प्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर जी और जिन्होंने राजस्थान के विकास को आयाम स्थापित किए और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब और भूपेंद्र जी यादव अभी आने वाले थे और संभवतः आने वाले हैं, क्योंकि अभी केंद्र में बजट सत्र चल रहा है और शनिवार रविवार ही मिलता है सांसदों को मंत्रियों को, तो उन्होंने कोई कार्यक्रम दे रखा था लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने वायदा किया है आएंगे। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी आने का वायदा किया था, संभवतः वो पहुंचने वाले होंगे। आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, वो भी पहुंचने वाले हैं। आदरणीय भागीरथ जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में विराजमान है, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक पानामी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब मेरे बड़े भाई, मुझे हमेशा ताकत देने का काम करते हैं, आदरणीय अलका गुर्जर जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, वो भी आने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मैं पूजा कराऊंगा, विराजमान है, तो बहुत अच्छा। और यहाँ की सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा साहिबा और मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल के साथ इनकी पूरी टीम, पूरे पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, राजस्थान के सम्माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक पूर्व सांसद और मेरे मोतियों से महंगे आदरणीय जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बंधुओं, वैसे मैंने तो कहा था आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि आज तो मेरा गला भर गया है, इतना कार्यकर्ताओं का अपूर्व प्रेम देखकर, अभूतपूर्व प्यार देखकर मेरा गला भर गया, मैं अभिभूत हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, माफ करना। आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी, मैंने कहा गलती होगी मेरे से, आज गलती होगी, मुझे क्षमा करें, बोल चो माफ कर देना। वैसे जो दायित्व मुझे दिया गया है यहां पर, कभी आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस राजस्थान को और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आदरणीय सतीश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय जगदीश जी माथुर साहब, आदरणीय भवनलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिशंकर जी भाबरा साहब, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब,
आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी पन्नामी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभाव ने हमारा मार्गदर्शन किया और संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायक रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दोस्त सांझ लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था राजस्थान में और आदरणीय भजन लाल जी ने एक आह्वान किया था कि मेरी सरकार ये हमारी सरकार है, मेरे कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान बचाए रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी। बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतना बड़ा और कार्यकर्ताओं का और सोच आपने रखी और कार्यकर्ताओं को ताकत दिलाने का काम आपने किया। तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहूंगा और जो कार्यकर्ताओं ने आज इज्जत दी है, मेरा कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के लिए और निश्चित रूप से हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, आप सब जहां कहीं भी रहते हैं उस इलाके में आपके मोहल्ले के लोग आपको सरकार का नुमाइंदा मानते हैं, आपको सरकार का प्रतिनिधि मानते हैं, इसलिए सरकार अच्छा काम करती है तो आपको भी धन्यवाद देती है जनता और थोड़ी बहुत कमी होती है तो शिकायत भी आपको करती है जनता। इसलिए ये राज आपका है, ये सरकार आपकी है, तो अपनी सरकार की प्रशंसा करो। ये बहनों को मालूम है, आपने देखा होगा कि बहनें जब कोई दूल्हे को लेके जाती है, दूल्हे का अभिनंदन करती है तो एक गीत गाती है,
मारो बंदड़ो हजारी गुलरो फूल दाती है ना, क्योंकि वो मेरा है और मेरा है तो सबसे अच्छा है। तो आपने तो दोनों ही बंदड़े अच्छे हैं, ये बंदड़ा भी बहुत अच्छा है, ऊपर वाला बंदड़ा भी बहुत अच्छा है, तो उनकी प्रशंसा करो क्योंकि हमारा है, वो हमारा है इसलिए उसकी प्रशंसा करो। हमारी सेवाओं से संतुष्ट हो तो दूसरों से कहो और नहीं तो हमें कहो, हम सुनेंगे आपकी बात। किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम लेकर के आएंगे तो हम आपके बीच में सेतु का काम करेंगे। और वैसे तो जवाबदारी दी है आपने कि राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच में सेतु का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सेतु का काम करूंगा। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, आदरणीय विजयाताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना अपना पाता लेके के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सबने और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में आपने ये अपेक्षा भी की होगी कि अब जो व्यक्ति आएगा, वैसे तो पहले वालों ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन सब से मैं सीख लूंगा, उन सब का पूरा उपयोग करूंगा, उन सब के भी साथ में बैठ करके और उनके राय लेकर के आप सबको सुन करके और ऊपर के सबके विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिम्मत करके मैंने कुछ शब्द आपके सामने बोले, मैं ये मेरे सामने विराजमान है बहुत आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मुझे माफ करना कुछ गलती हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठिन ही आई है आपको, यह आने में आपको बहुत तकलीफ हुई मुझे पता है। रात को भी कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि दोनों टायर पंचर हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे ताकत देते रहे, मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ ही हूँ, अपने से अलग नहीं है। नेतृत्व वो कप्तान किसी सिपाही को जान भी देता है, वो सिपाही तो वहां जाकर के अपना दायित्व निर्वहन करता है, अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई भी फर्क नहीं है, हम सब एक हैं, एक मुखी है और एक मुखी रह करके और जन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। वसुंधरा राजे ने जो मुझे गुरु मंत्र दिया है उसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, कहा कि मंच से जो मुझे चेतावनी मिली है उसका मैं ध्यान रखूंगा। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार अपनी है इसलिए सरकार की तारीफ करिए, अगर सरकार के काम से खुश नहीं है तो हमें बताएं, हम आपकी बात सुनेंगे। राठौड़ ने कहा कि अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई फर्क नहीं होता, हम सब मिलकर काम करेंगे। राठौड़ के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मंत्रियों को सुरक्षा बलों ने अंदर जाने से रोक दिया। मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को सीआईएसएफ ने अंदर नहीं जाने दिया और इसके बाद जोगेश्वर गर्ग नाराज होकर एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय रवाना हो गए। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत को करीब 20 मिनट के इंतजार के बाद एयरपोर्ट पर एंट्री मिली। इससे पहले डिपार्चर गेट से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री अंदर आए थे। सीआईएसएफ का कहना था कि जिन लोगों के नाम हमारे पास है केवल उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है। राठौड़ 5 महीने पहले ही राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। लंबे समय से संगठन में सक्रिय राठौड़ ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ काम किया है, जनसंघ से लेकर बीजेपी की यात्राओं में शामिल रहे हैं, बीजेपी की पुरानी और नई पीढ़ी के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। राठौड़ मूल ओबीसी से गांची जाति से हैं। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को पार्टी ने 25 जुलाई को ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया था। पार्टी ने मदन राठौड़ को अध्यक्ष बनाकर मूल ओबीसी के अपने वोट बैंक को और मजबूत किया है।